राहुल के हिंदुत्व पर बयान, मच गया संग्राम। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। सदन में महादेव की तस्वीर, चले सियासी तीर। राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं, उनकी अपरिपक्वता को घोतक है जो उनका आज का भाषण है, वो झूठ का पुलिंदा है। और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद में राहुल और पीएम के बीच हुई जुबानी जंग। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हिंदुत्व, अग्निवीर, किसान, महंगाई के मुद्दे पर महासंग्राम। शिव का भक्त बड़ा दुखद ये रहा कि जिस तरह से शिव जी की तस्वीर को बार बार फेंक रहे थे, उठा रहे थे, तो आप अपनी डिबेट में उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे थे, ये बड़ा दुखद रहा। और आज के उनके भाषण में इमेच्योरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहाँ पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। हिंदू राम, हिंसा नफरत, राहुल मोदी की सीधी टक्कर। संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल के तीर कितने गंभीर, तो राहुल के तीर कितने गंभीर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उन मुद्दों में महंगाई, किसान से लेकर नीट पेपर लीक और अग्निवीर जैसे मुद्दे शामिल। राहुल गांधी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन बात को रखते रखते हिंदुत्व को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, और जैसे ही ये कोशिश की वैसे ही सियासी संग्राम छिड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत और आसक्ते आसक्ते की बात करते हैं। उनके इस बयान पर पीएम मोदी ने सदन में ही अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। अब राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है, पूरे देश में बीजेपी के नेता आक्रामक हो रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बयान दिया ना कि हिंदुओं पर। लेकिन खबर क्या है, पहले जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। खबर बस इतनी है कि नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष के तौर पर संसद में राहुल गांधी के इस पहले भाषण के बाद सियासी संग्राम चला। राहुल गांधी के बयान पर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी उन्हें टोका। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी इतना हमलावर हुई कि पूरे देश में बीजेपी के बड़े नेता इस पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बयान देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है, गर्व है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबी हुई है कांग्रेस को स्वयं एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को यह बात भला कैसे समझ आएगी। आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए राहुल जी, आपने आज एक समुदाय को नहीं
भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया। ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और ऐसा ही एक बयान पुष्कर सिंह धामी का भी आया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वो भी कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने सोच समझ के बयान दिए, जिन मुद्दों को उठाया, क्योंकि हर मुद्दे को छूने की कोशिश राहुल गांधी ने की, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई, नीट, अग्निवीर, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा। लेकिन अगर बात सीएम धामी की करें तो सीएम धामी ने कहा कि आखिर हिंदुओं से, हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों। राम को काल्पनिक, सनातन को डेंगू, और अब हिंदुओं को हिंसक, नफरत फैलाने वाला झूठा बोलकर कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर से हमारी संस्कृति और पहचान पर प्रहार किया। परिवारवाद की राजनीति से पनपे और तुष्टीकरण की विचारधारा से ग्रस्त कांग्रेस के नेता की यह विभाजनकारी सोच निंदनीय है। यह सीएम धामी कह रहे हैं। तो यानी कि वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है, सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुख करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि राहुल गांधी के तीर आखिरकार कितने गंभीर। डरो मत, डराओ मत, अब हम मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो आप, अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे। लोकतंत्र में, पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आगे कुछ भी कह देता है, ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना बोल देते, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्य में जाए ना, डरो ना डराओ। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रखे साथ, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, एवं सभी सदस्यों का आपसे विनंती है संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, मत और पंथ से अलग
भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लोहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लोहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में। तो राहुल के तीर कितने गंभीर, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विशेषक, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपाध्याय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा राहुल गांधी के बयान से। राहुल गांधी कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए, तो हिंदू हिंसक है। तिलक जी, उन्होंने जो हिंसक है, जो दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं करता है, जो नफरत सिखाता है, वह हिंदू नहीं है। हिंदू, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हिंसक है, जो नफरत करता है, दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता है, जाति भाव से प्रेरित होकर हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। आप जानिए तिलक जी, हमारी दूसरी अर्थ से पहला हाथ जुड़ा हुआ है। जो हिंसा की बात करते हैं, जो नफरत की बात करते हैं, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखाया गया है। हमारे धर्म में चाहे भाईचारे, आपसी प्रेम की बात जो आदरणीय राहुल गांधी जी अपने आचरण में दिखाते हैं, वो कभी नफरत की बात नहीं। बीजेपी कह रही है आपने हिंदुओं का अपमान किया है, माफी मांगिए। ये बीजेपी तो सबको कहती है ना, लोकसभा में 405 आप माफी मांगेंगे, 40 पर आ गई। नहीं, मैं माफी किस लिए मांगूंगा? जो दूसरे धर्म को, एक सांसद दूसरे सांसद को गाली देता है धर्म के नाम पर, उस समय मोदी जी कहां गए थे, योगी जी कहां गए थे? सीधे आपने सुना, हमने सुना, क्या राहुल गांधी जी उनसे अधिक कौन हिंदू भक्त है भैया? वो भगवान शिव भक्त के जो है अनुयायी है, मानसरोवर की इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा। आपको लगता है कि आपने हिंदुओं का अपमान किया? नहीं, कभी अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी धर्म का वो अपमान नहीं करते हैं। मनीष गुप्ता जी, ऐसा क्यों लग रहा है फिर बीजेपी को कि ये हिंदुओं का अपमान है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये तो बीजेपी वालों को कह रहे थे, वो आरएसएस वाले को कह रहे थे? क्या मायने निकाले इस बयान के? मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। मनीष जी प्लीज, अगर हो पाए तो फोन कान पे लगा लीजिएगा सर। मनीष जी, सर मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं आपको। मनोज पंडित जी, आवाज आ रही है सर? क्या मनोज पंडित जी, मुझे आवाज आपको आ रही? मेरी आवाज जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। पंडित जी जी, तिलक भाई, बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला भाषण बड़ा निंदनीय भाषण है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार बोल रहे थे राहुल गांधी, कैसा लगा राहुल का भाषण? तिलक जी, बहुत निंदनीय भाषण है, और हमें तो ये उम्मीद थी कि अब इतने वक्त के बाद राहुल गांधी जी में कुछ परिपक्वता आ गई होगी, पर लेकिन वो अभी, मुझे लगता है कि अभी वो जो पद पे, विपक्ष के पद पे बैठे हैं। राहुल का भाषण क्यों निंदनीय लगा आपको?
आप बताइए, सारे हिंदुओं को इन्होंने एक ही तराजू में तोल दिया कि हिंदू लेकिन क्या सारे बीजेपी वाले हिंदू हैं? नहीं, बीजेपी वाले आप देखिए ना, बीजेपी वाले हिंदू तो हैं ही, पर लेकिन आप पूरे देश को ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू ये चाहता है कि हर वक्त जो है उनका एक ही एजेंडा है कि देश में अस्तर कैसे फैलाई जाए, चीजें क्या हो, तो ये सब चीजें, ये जो बयान है ये पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया, ये मुझे लगता है ये बयान कोई कांग्रेस कह रही है कि ये बयान जो जिसके आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए कहा गया था, ना कि हिंदुओं के लिए। तो आप बताइए, नहीं तो ये इसमें तोड़ मरोड़ने वाली बात ही नहीं होती तिलक जी, आप ये बताइए। तो इन्होंने सदन में अपना वक्तव्य दिया है और वो तो वहां पर तो एडिट नहीं किया जा सकता ना। हाँ। जो चीजें चल रही है वो लाइव है, पूरा देश देख रहा है उसको। हाँ। अब जिसके बीच में प्रधानमंत्री को कहा किसे कहा क्यों कहा, मनीष जी से पूछूंगा, लेकिन एक बात मनोज जी, कल तक तो आप ही कह रहे थे कौन राहुल, आज उन्हें आप नियम की किताबें पढ़ा रहे थे, पूरी की पूरी सरकार। देखिए अब मालूम चल गया कौन राहुल। नहीं तिलक जी, ये तो पूरा देश जानता है राहुल गांधी, पर ये उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी जी से कि अपने पहले अभिभाषण में वो ऐसा वक्तव्य देंगे। नहीं, आप कह रहे थे ना सबके सामने कि कौन राहुल, तो आज पूरी की पूरी सरकार उन्हें नियम की किताबें पढ़ा रही थी। अब नियम के, आप जिस सदन में बैठे हैं उस सदन कुछ नियम कायदे कानून हुआ करते हैं, तो आप पहचान गए आप राहुल गांधी कौन है? हम क्या, पूरा देश पहचान गया उनको और उन्हीं की इसी। अच्छा, देश पहचान गया। मनीष गुप्ता जी, ये सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है बयान को, या फिर मामला कुछ और है? देखिए सच्चाई ये है, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने बढ़िया भाषण दिया, उस सबका अंतिम सत्यानाश कर डाला। वो कहना कुछ और चाहते थे, कुछ अच्छा कहना चाहते थे, तैयारी करके आए थे, भगवान शंकर का फोटो भी लाए थे, लेकिन लास्ट में भूल गए और क्या बोल पड़े। वो कहना चाहते थे बीजेपी वाले आधे हिंदू है, पर कह दिया क्या कि हिंदू हिंसक है, जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। लेकिन उपाध्याय जी कह रहे हैं ऐसा बोला है, तो हिंदू उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोला, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को कह रहे थे राहुल गांधी। नहीं नहीं, उन्होंने स्पष्ट बोला जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, ऐसा बोला उपाध्याय जी। और हिंदू असत्य असत्य असत्य, यानी हरिनाथ उपाध्याय के मुंह पर उन्होंने कालिख लगा दी, कहा कि तुम मुझे भले ही सपोर्ट करो तिलक जी, पर हिंदू असत्य है। उन्होंने कहा राहुल गांधी और पप्पू सिद्ध हो गया, महसूस हो गया है हिंदू भगवान के पेंशन की बात कर रहे हैं तो विरोधी हो गए हिंदू। बताइए हिंदू कांग्रेस हिंदुओं को गाली दे दो और कई समाज हिंदुओं को जवाब देगा, कभी ऐसा हुआ था मुसलमान को गाली देगा इतना उसके बाद प्रभावशाली आज बात कर रहा है हिंदू और समाज कहेंगे पर यानी क्या क्या कह रहे हैं कि 1984 में जो सिखों की हत्या करी वो हिंदुओं ने करी क्या, ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हिंदू कैसे क्या हो गया। और एक और बात, जिस तरीके से तिलक भाई की तरह नहीं है राहुल गांधी के बयान में उन्होंने शंकर जी को जोड़ लिया, बधाई दीजिए कि शंकर जी ने कहा जाते हैं। मनीष जी लेकिन सवाल यही है ना कि बात एक बयान पर आकर टिक गई, लेकिन जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए उन मुद्दों को दरकिनार किया जा सकता है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वैलिड है, वैलिड है, विपक्ष का काम है और सरकार को कल टाइम मिलेगा जवाब देने के लिए, सिस्टम है लोकसभा का। आज विपक्ष को मौका मिला, उन्होंने अपनी बात रखी, कल मोदी जी को, होम मिनिस्टर को, राजनाथ जी को मौका मिलेगा, उन्होंने बात रखेंगे। और देखिए राहुल गांधी गलती कर जाते हैं, उन्होंने अग्निवीर के मामले में झूठा बयान दे दिया, राजनाथ जी ने वही उनको टोक के समझा दिया भाई आप झूठे हैं, सदन में झूठ नहीं बोल सकते। रविंद्र जी, अग्निवीर को 1 करोड़ ये बयान देकर राहुल गांधी फंस गए क्या, जो बात मनीष गुप्ता कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान कर दिया आप लोगों ने? हिंदुओं का अपमान तो कहीं से हुआ ही नहीं गुप्ता जी कह रहे हैं।
ये तो प्रोपोगंडा से ले तो कुछ भी कहेगा। इनके बात को गंभीरता से भारतीय जनता भी नहीं लेती है। ये क्या कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, प्रभु श्री राम अवैध संतान है, माता सीता टेस्ट्यूब बेबी है, आदित्यनाथ कहते हैं बजरंग बली दलित है, मोहन भागवत कहते हैं हिंदू सारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। तो इनकी ये हिंदुत्व की बात है, मेरा ऑब्जेक्शन है यहाँ पर। इतने काम कर रहे हैं इनके बोल रहे हैं, अरे बोल रहे भगवान राम संतान है, किसने कहा? तैने कहा सुन, सुन पहले बात सुन, नहीं गलत बात है, भगवान राम जाके पढ़ के मालूम नहीं, सुन किसने कहा, किसने कहा? सुन मैं बता रहा हूँ, अरे सुन किसने कहा, चुप सुन, चुप सुन, पहले बताओ भगवान क्या बता रहा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही, तेरी हिम्मत कैसे हुई, भगवान अरे तू पागल आदमी है, तू अंधभक्त है, तू आरएसएस से ट्रेंड है, तो ऐसे अफवाह फैलाएगा, उन्मादी है, तू सही बात सुनने को तैयार नहीं है, हिंदू विरोधी है, करने के तरीके समझ गया हूँ आपको, कैसी तेरे बात करने तरीके समझ में आ गया है, पता लग गया कैसी तेरे बात करने तरीके से आ गया है। रविंद्र जी, मनीष जी, एक मिनट मनीष जी प्लीज, रविंद्र जी आप एक सम्मानित प्रवक्ता, कभी मैंने आपको आपा खोते हुए नहीं देखा, और मैं आपको एक मिनट उन प्रवक्ताओं में मानता हूँ जो तर्कों के साथ अपनी बात को दूसरे के लिए काटते हैं, लेकिन आज ये बदतमीजी से बात करेंगे, तर्क की बात कर रहा हूँ। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश में, उसने कहा प्रभु श्री राम अवैध संतान है, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा माता सीता, अरे ऐसा बोला है, रविंद्र जी प्लीज कहिए, आप लोग इस तरह से प्लीज व्यक्तिगत मत होइए, इनसे कहीं हस्तक्षेप न करें, एक मिनट और अगर ऐसा गलत है तो ये मुझे नोटिस भेज सकते हैं, नोटिस का जवाब देंगे, इनको कोर्ट में खींच के ले आएंगे, सुनिए फिर बता रहा हूँ। रविंद्र जी आप अपनी बात रखिए, और एक मिनट प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए, रविंद्र जी को, मनीष जी और पंडित जी प्लीज अपनी बात रखने दीजिए, आप अपने समय पर बोलिएगा प्लीज। नहीं नहीं ये तो गरिमा की बात, गलत बोलता हूँ तो ये मुझे नोटिस भेज सकते हैं, उसका सहारा ले, यहाँ बदतमीजी का सहारा ना ले, उन्माद का सहारा ना ले, फिर मैं देखिए इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा इस व्यक्ति से, वो भी नोटिस, ये उन्मादी, इस प्रकार के उन्मादी चरित्र के व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, और सही में श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये सब उन्मादी है, ये हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हो, राहुल ने ये सब नहीं कहा है, आप चुप रहिए, आपके सलाह की हमको जरूरत नहीं है, रविंद्र जी आप प्लीज मुद्दे पर आइए ना, प्लीज डिबेट को डिरेल मत करिए, आप इन्होंने हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का अपमान किया, अब जो राहुल गांधी जी ने कहा है वहां पे, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, अगर उस बात पे हम जाते हैं तो राहुल गांधी जी ने शब्दशः जितनी बातें कही है सब सही कही है, समस्या क्या है, उन्होंने जन मुद्दे उठा दिए, छात्रों के मुद्दे उठा दिए, अब ये परेशान हो गए पूरी भारतीय जनता पार्टी, सब उनको किस पे घेरना चाहती है, हिंदुत्व पे घेरना चाहती है, हिंदुत्व के बारे में जो उन्होंने शब्द कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, यह सत्य है, उन्होंने कहा है कि हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया है कि डरो मत डराओ मत, यह सत्य है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान अहिंसा नहीं करता है, यह सत्य है, उन्होंने फिर यह कहा है कि बीजेपी वाले जो 24 घंटे अपने को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देते हैं ये उन्मादी हैं, इनका जन्म ही उन्माद से हुआ, 1924 में जन्म उन्माद से हुआ है, इनकी पुस्तक है बंच ऑफ थॉट पूरी उन्माद से भरी हुई है, यानी आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी कहना कुछ चाह रहे थे और मतलब कुछ और निकाला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं, इतनी बातें राहुल गांधी जी ने कहा सत्य है, ये हिंदू विरोधी है, ये उन्मादी है, उन्माद फैलाना चाहते हैं बीजेपी, एक मिनट आप मनीष गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे, फिर मनोज पंडित जी पूरा वक्त आपको बोलिए, आप मनीष जी तिलक भाई मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला जो अपने आप को हिंदू कहते हैं जैसे आरपी सिंह या हरिनाथ उपाध्याय या मनोज शर्मा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, वहां भाजपा के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं। नहीं मनीष जी वो किसके संदर्भ में बात कर रहे थे फिर, अब स-
संदर्भ की क्या बताए, किसके संदर्भ बात कर रहे थे? वही उन्होंने ये कहा जो अपने को हिंदू कहता है, अरे इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कह रहा है, अगर मनीष गुप्ता अपने आप को हिंदू कह रहा है तो राहुल गांधी के सांसद है। ये बात कहां कही? कहां से? राहुल गांधी के बयान से निकल के इमीडिएटली उनको टोका गया, फिर वो बात को पैचअप करते हुए लगा ये गलती हो गई, उनको बोलने में गलती हो गई। एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, कुछ नया बोलने के चक्कर में फंस गए, बोलना चाहते थे कुछ और, तैयारी करके आए थे, भगवान शिव का फोटो लेकर आए थे, लेकिन बोल दिया कुछ और, अपनी सब मेहनत का कचरा कट डाला। अच्छा, सब मेहनत का कचरा हो गया आप ये कह रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है इससे, विपक्ष कह रहा है कि इससे लाजवाब भाषण कभी सुना ही नहीं हमने। खैर एक मिनट, मनोज पंडित जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो मनीष गुप्ता जी कर रहे थे। उन्होंने हिंदू कहा या हिंदुओं का अपमान किया, आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा अभी, लेकिन मसला वही है जो बात मनीष गुप्ता कह रहे थे। ये शिवजी की तस्वीर ही तो दिखा रहे थे राहुल गांधी सदन में, वो तस्वीर देखी होगी आपने, पूरा देश देख रहा है वो तस्वीर, शिवजी की तस्वीर ही तो दिखा रहे थे सदन में वो, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं नहीं तिलक जी, शिव जी की तस्वीर या गुरु नानक देव की तस्वीर, हाँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ठीक है, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, ये देश जो है हर धर्म का सम्मान करता है, सारी चीजें हैं, आप किसी भी धर्म के व्यक्ति अपना किसी भी भगवान को लेके आ सकते हैं, पर लेकिन उन मूर्तियों के साथ उन्होंने ये तो लोकसभा अध्यक्ष ने भी बोला कि हाँ, आप इनको इन मूर्तियों के साथ ऐसे लेके आए हो इनको, पर आप इसे टेबल पे पलट के रख रहे हैं, तो ये चोर ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि नहीं, दरअसल ये कह रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है, राहुल गांधी अगर संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार उनका विरोध कर रही है, मतलब शिव जी की तस्वीर दिखाने पर आप लोग तो हिंदुत्व का फिर एक तरफ से विरोध की बात कहां से आ गई मनोज पंडित जी? तिलक वो तो हिंदुत्व की तो बात कर रहे थे राहुल गांधी, फिर इसका मतलब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि देश में उन्माद कौन फैला रहा है, या चीजें आप ये बताइए कि हमारी सोच तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं नहीं, मैं शिवजी की अभी तस्वीर पर हूँ, शिवजी की नहीं, पर लेकिन ये लोग कहते हैं हिंदू, हिंदू क्या, मतलब हिंदू इनका वक्तव्य ये है कि हिंदू हाँ, जो है अहिंसावादी है, हिंदू हिंसा नहीं, फैला नहीं, रहा नहीं, है। आगे पूरा आपने सुना वो राहुल गांधी ने ये भी तो कहा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, ये तो इन्होंने बाद में कहा ना, जब उनको जब इनके बयान को इंटरप्ट कर दिया गया हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये सब हिंदुओं के लिए नहीं है, नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी जो है हिंदुस्तान पूरा हिंदू, ना 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 वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकता, वो ये भी तो कह रहे हैं। नहीं आप ये बताइए कि आप क्या हिंदू समाज, आज हम और आप या देश के प्रधानमंत्री वहां बैठे हैं तो किसी की बदौलत बैठ, ऐसा नहीं है, जनता ने उन्हें चुन के भेजा, जनता हाँ, ने मैंडेट दिया है जनता के, तो सारे हिंदुओं ने आपको सारे हिंदुओं ने आपको वोट किया? नहीं सारे हिंदुओं ने तो राहुल गांधी जी को वोट नहीं किया, नहीं तो आपको किया है? आप नेता विपक्ष होने की वजह से देखिए तिलक जी, सारे हिंदुओं ने किसी को वोट, पर लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे या किसी समाज के लिए गलत बोलता सदन में तो वो चीजें हमारा अधिकार है उसे इंटरप्ट करना, वो तो शंकर भगवान की तस्वीर दिखा रहे थे ना? नहीं शंकर भगवान की तस्वीर, गुरु नानक देव की भी तस्वीर दिखा रहे थे वो हाँ। ऐसा तो था नहीं उनकी नहीं हाँ। दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस मुद्रा में गुरु नानक देव हैं वो शांति का प्रतीक है, शांति की बात करते हैं भाई, नहीं तो हम कहा कह रहे हो गलत का, पर जो चीज गलत कही उन्होंने हिंदुओं को, आप मतलब आप हिंदुओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, वो एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं वो हिंदुओं को, नहीं यही तो बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को कह रहे थे, आप इसे हिंदुओं से जोड़ रहे हो, अरे बीजेपी क्या हिंदू की पार्टी नहीं है क्या? बीजेपी में हिंदू, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? नहीं नहीं बीजेपी में हिंदू नहीं है, आप एक मिनट पंडित जी, ये मैं बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है आप कह रहे हो? अरे बीजेपी में सारे लोग, मेरा मानना ये है, नहीं आप यही मान रहे हैं, आप कह रहे हो कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू नहीं है, देखिए तिलक जी सारी पार्टी में सारे धर्म के लोग हैं, पर हाँ। लेकिन आप नेता विपक्ष होने की नहीं, वजह सर, आप अभी डिबेट में कह रहे हो कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी में भी हिंदू हैं सर, देखिए यही तो बात है, आपने जो बात कही अभी, अब आप कह रहे हो ना यही तो बात राहुल गांधी कह रहे थे, अब आपके मुंह से ये बात निकली और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा,
और जबकि बात आप खुले तौर पर कह रहे हो कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। एक मिनट मनीष जी, पंडित जी, ये तो बात हो रही है कि राहुल गांधी के बयान को मोड़ दिया गया। मोड़ नहीं, वो कि टीवी डिबेट में थोड़ी सी जो मोड़ दी गया वो तो, अच्छा तो मतलब आप टीवी डिबेट में कुछ भी कह सकते हो, वो तो पार्लियामेंट में चल रहा है, वहां चल रहा है। पर लेकिन आप मेरी बात सुने कि ये कोई सर्टिफिकेट, आप नेता विपक्ष है, आप इतने पद के गरिमा पे बैठे हैं, आप ऐसी बातें करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा देश? नहीं तो आप भी कह रहे हैं सर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी में तो देखिए बीजेपी सर्वधर्म की पार्टी है, पर लेकिन अभी आपने कहा खैर मनीष जी जल्दी से, फिर उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ इस बार के चुनावों में ये बात तो तय हो गई कि बीजेपी को मुसलमानों ने बिल्कुल नॉमिनल वोट दिया है, 1% 2% वोट दिया है मुश्किल से। ऐसे में राहुल गांधी ने यह समझ लिया कि इस बार विपक्ष को मुसलमानों ने वोट दिया है, इसलिए मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं को अपमानित करना आवश्यक है ताकि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी की बात जान ली। हाँ बिल्कुल, देखिए चेहरा कैसे पहचानते हैं, उनके बोल वचन से पहचानते हैं। उपाध्याय राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट जो है उन्होंने दिया उन्हें खुश करने के लिए, राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। मनीष गुप्ता कह रहे हैं देखिए तिलक जी, इन लोगों की यही अवधारणा हमेशा रहती, कौन वोट हमको दिया कौन नहीं दिया। हमारी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ये विचारधारा नहीं है, जो हमको वोट दिया उसके हित की भी बात करेंगे, जो नहीं दिया वो भी उसकी भी हित की बात करेंगे। तो आपने हिंसक कह दिया तो पूरे देश को हिंदुओं को हिंसक कह दिया आपने, आपने हिंसक कहा है, अपने आपको हिंदू कहना बंद कर दो, अपने आपको हिंदू कहना बंद कर दो, की बात की अपने आपको हिंदू कहना बंद कर दो, उसमें हिंदू नहीं है तो घर के सारे मुस्लिम घर के शीशे तोड़ दो, आपके कैसे लगाओगे अपने घर कैसे जाओगे, शीशे तोड़ दो आंखें कैसे मिलाओगे। उत्तर प्रदेश में अरे सच्चे हिंदुओं को जाट में बांट रहे हैं, राहुल गांधी हिंदुओं को डांट रहे हैं, एकदम घबराए हुए जितना एक मिनट आपको ये भाषण कैसा लगा राहुल गांधी का? बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरे देश की जनता जगजग है। अच्छा बहुत अच्छा लगा आपको, लेकिन उपाध्याय जी गरीब जगजग है, क्या जो छवि बीजेपी ने क्रिएट की वो पप्पू टाइप वाली, अब वो छवि से बाहर निकल आए? देखिए उनकी छवि कभी नहीं थी, इन्होंने गलत करने की कोशिश की लेकिन वो साबित नहीं है कर पाए। मैं उदाहरण के तौर पर एक मिनट आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन एक मिनट उपाध्याय जी, एक मिनट सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं सपा को मौका दूंगा, रविंद्र जी को 20 साल में राहुल गांधी को बतौर सांसद 20 साल में उन्होंने 99 सवाल पूछे, ठीक, और 26 चर्चाओं में बहस में हिस्सा लिया, यह 20 साल का रिकॉर्ड है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष ये छवि जिसका जिक्र बार बार बीजेपी करती है अब कुछ बदले से है? राहुल गांधी बदले पहले भी थे और व्यक्ति समय के साथ अनुभव के साथ सीखता जाता है, उनको भारत जोड़ो यात्रा में जो उनको एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है उस अनुभव का भी उपयोग तो मनोज पंडित जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, रविंद्र जी आपके पास देखिए, और दूसरे बात आदरणीय राहुल गांधी जी सबसे कितना पढ़े लिखे आदमी आप जानते हैं और यूनिवर्सिटी और भाजपा के लोग कितने हैं, उनको आप उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की चाहे नोटबंदी की चाहे अर्थव्यवस्था के संबंध में चाहे कोरोना के संबंध में, आप बताइए वो तो एक महान अर्थशास्त्री है, एक कृषि वैज्ञानिक है, एक जो है दलित चिंतक है, क्या नहीं है वो? उनकी छवि भाजपा वाले नहीं खराब कर पाएंगे, उनकी छवि देश के गरीबों में, किसानों में, युवाओं में, नौजवानों में, दलितों में, पिछड़ों में, गरीब सामान्य वर्गों में घर कर गई है, घर कर गई है, वो सबके लिए लड़ाई हो रही है संसद के तरफ तक, यही इनकी घबराहट का कारण है। तो ये लगता है मुझे उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, और आपको जब जनता ताकत देती है तो उस ताकत का सही इस्तेमाल आप करें, उस ताकत में जनता की आवाज उठाने की बात आप करें। आप एक जगह के सांसद होके और आप ये बोलें कि ये राजा बन गए अयोध्या के, तो ये लगता है कि ये घमंड भरी बातें हैं, और ये घमंड भरी बातें ठीक
जो आम आदमी अब देश के प्रधानमंत्री के मिल रहे हैं, टेटर मिल रहे हैं, राजा महाराजा जो है सो है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसलिए एक साल के पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जान रहे हैं, बात करता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात करता हूँ, एक मिनट पर, लेकिन आप अगर ऐसी चीजें करते हैं तो ये चीजें जो है ये अच्छा मैसेज नहीं डालती, इससे कहीं ना कहीं आपके छवि को धक्का लगा। बीजेपी ये कह रही है कि ये परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही राहुल गांधी में, जो बयान दे रहे हैं बतौर नेता प्रतिपक्ष शोभा नहीं देता उनको कि सदन में इस तरह की बातों को रखे हूं। रविंद्र जी जवाब दीजिए। श्री राहुल गांधी जी को बीजेपी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे थे और जनहित पे चर्चा कर रहे थे। बीजेपी का चरित्र उन्मादी है, उन्माद कर रहा था। जनता का निर्णय बताता हूँ मैं आपको, फैजाबाद सीट जिसमें अयोध्या जी आता है बीजेपी को हरा दिया गया, चित्रकूट बांदा बीजेपी को हरा दिया जनता ने, सीतापुर बीजेपी को हरा दिया, बस्ती वशिष्ठ जी की स्थान हरा दिया, सुल्तानपुर कुश जी का स्थान वहां जनता ने हरा दिया, प्रयागराज जी वहां हरा दिया, रामटेक जी वहां पर जनता ने हरा दिया, नासिक महाकाल का स्थान वहां जनता ने हरा दिया, कोप्पल हनुमान जी की जन्म स्थान वहां हरा दिया, रामेश्वरम वहां पर हरा दिया। तो जनता ने इनको मैसेज दे दिया है कि आपका चरित्र क्या है। रविंद्र जी, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, फिर भी मैं आपसे थोड़ी बहुत जानकारी चाह रहा था। आपने कहा कि अयोध्या ने इनको हरा दिया, सीट का नाम क्या है? मैंने बोला है फैजाबाद, थोड़ा सा क्या नाम है? मैंने जो बोला है फैजाबाद सीट, फैजाबाद सीट, ठीक सर, अयोध्या उस सीट का नाम फैजाबाद है, उसमें अयोध्या, एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा, एक एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लेते ना, उसमें अयोध्या भी आती है, फैजाबाद में कितनी सीटें आती हैं सर? पांच सीटें आती हैं। अयोध्या में बीजेपी जीती या हारी इन पांच सीटों में से? अयोध्या एक सीट है, तो अयोध्या सीट जीती बीजेपी ने या हारी? अयोध्या विधानसभा में 4000 वोटों से जीती है, बाकी चारों सीटों पे जीती है। आप ही की बात कह रहा हूं, और वो चारों विधानसभा में बीजेपी हार गई, ठीक सर? आप ही के मुताबिक अयोध्या वाली सीट इन्होंने जीती है, लेकिन वो फैजाबाद के अंतर्गत आती है, इसलिए इन्होंने चुनाव हार गए। आप ही के मुताबिक कह रहा हूं सर मैं। हाँ, मैं अपने अपने मुताबिक नहीं कह रहा हूँ, ईसीआई का रिकॉर्ड है ये। हाँ, तो आप, नहीं चलेगा। तो फिर सर ये अयोध्या कैसे हार गए फिर? ये तो फैजाबाद हार है ना। जब अजय उस क्षेत्र में आते हैं जैसे आप कह रहे हैं चित्रकूट जी में, तो चित्रकूट जी में वो भी क्षेत्र आता है जो डकैतों का क्षेत्र था। नहीं नहीं नहीं, आप डकैतों वाली नहीं, अभी अयोध्या पे रहते हैं। ना ना ना, अयोध्या पे रहते हैं सर। अयोध्या फैजाबाद सीट के अंतर्गत आती है, आप ही की बात, ठीक। उसमें पांच विधानसभाएं आती है, आप ही की बात, और उनमें से चार विधानसभा बीजेपी हार गई, लेकिन अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीत गई, आप ही की बात। तो फिर ये अयोध्या कैसे हारे? फैजाबाद सीट हारे जिसमें अयोध्या जी आता है, जहां सबसे बड़ा इवेंट। हाँ, मैं आप ही की तो बात कह रहा हूं सर, फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या आती है और अयोध्या में चुनाव जीत गई। मैंने वो कहा जो ईसीआई कह रही है, इसमें मेरा कोई वर्जन नहीं। मैं आप ही की तो बात कह रहा हूँ। अब आप केंद्र में ये तो हो गया, अगर ऐसे बात करना चाहना था तो चित्रकूट जी पे भी किया जाता है, सीतापुर जी पे हारे। मनीष धैर्य रख लो, धैर्य सिखाना भी आता है, सुन लीजिए। सीतापुर जी पे अगर चर्चा कर लेंगे तो सीतापुर जी में जो धार्मिक स्थान है वो नैमिष है, सीतापुर नहीं है, वो नैमिष है। वहां से जीतने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत किया था। सुल्तानपुर में बात कर लीजिए, सुल्तानपुर में जो कुश जी का स्थान है, सुल्तानपुर मुख्य स्थान से छोड़ के सुल्तानपुर जो विधानसभा है उससे हटके है। तो अगर इस बात की चर्चा करेंगे तो आप उसे 10 सीटों पे करिए। राहुल गांधी का एक और बयान, क्योंकि जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं, मैं उसी एक मिनट रविंद्र जी, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मनोज पंडित जी फिर आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। एक बात, जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं इससे तो बात बिल्कुल साफ है ना कि अयोध्या का जिक्र करके, एक और बहुत दिलचस्प बयान है राहुल गांधी का, उस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा। अयोध्या का जिक्र करके ये बार बार आपकी कमजोर नब्ज आ रहे हैं, ये तो साफ है मनोज पंडित जी। सदन से लेकर सड़क तक हाथ में हाथ थामे आप देश प्रसाद को घुमा रहे हैं, ये कमजोर नब्ज आ रहे हैं, पहली बात। एक मिनट सवाल ले लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अयोध्या के बाद, वो कह रहे हैं, छोड़िए सारी बातों को, वो कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लीजिए, इस बार इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में भी हराने जा रहा है, यानी आपका गढ़ हिलाने का दम भर रहा है इंडिया गठबंधन तिलक जी गुजरात में। आप देखिए तिलक जी, क्या गठबंधन दम भर रहा है, ये सिर्फ एक इन्होंने जो भरमाई स्थिति की, चार तो आएंगी तो संविधान बदल देंगे। अरे तिलक जी, ये क्या है,
नहीं, ये तो आपके नेता कह रहे थे, वो वही बात दोहरा रहे थे। ठीक है, मान लो हमारे नेता कह रहे थे तो ठीक है, उसे खामियाजा भुगतना भुगतना नेता ने, चीजें हुई, समीक्षा की जा रही है और सारी चीजें, हम लोग उनपे बिल्कुल बहुत मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 10 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कैसे पता चल जाएगा इनको कि कितने दूध और कितने पानी में है। पर मेरा मानना ये है कि अवधेश प्रसाद जी को आज के इंटरनेशनल नेता बना रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या हार गए, फैजाबाद हार गए। फैजाबाद वहां की लोकसभा सीट है, अयोध्या वहां पे विधानसभा सीट है, अयोध्या में हम चुनाव जीते हैं, हारे नहीं है, ठीक है। पर लेकिन चूंकि बातों को घुमाना है कि आप बाल खाल निकालने की बात, रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। तो मेरा मानना है कि जो समाजवादी रविंद्र जी गलती नहीं, बिल्कुल रविंद्र जी बांधवे में, पर समाज पार्टी का नेचर है, जो उनकी प्रवृत्ति है कि दूसरे की चीजों में अतिक्रमण करना, उसे कैसे छोड़ सकते रविंद्र जी, वहीं रहना है उनको। और उनकी मजबूरी है महिमा मंडित करना। भी देखिए कि कल पार्लियामेंट मतलब फ्राइडे को जब अखिलेश यादव ने कहा कि बैंगन बैंगन बहुत अच्छा, मतलब एक उदाहरण दिया उन्होंने बैंगन के लिए, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी राजा को खाना था बैंगन, बैंगन बैंगन के लिए उन्होंने महिमा मंडित कर दिया कि बैंगन के सिर पर ताज होता है और ये, और पूरी कहानी सुना दी। और जब राजा की तबीयत खराब हो गई तो बोले राजा साहब कि कल तो आपने बैंगन बहुत अच्छा बताया था, तो उन्होंने कहा मैं बैंगन की नौकरी नहीं करता, मैं राजा की नौकरी करता हूँ, क्योंकि मेरे को राजा को खुश करना है, बैंगन को नहीं। तो जितने लोग यहाँ डिबेट में बैठे हैं उन्हें सच्चाई के पास जाने की आवश्यकता नहीं, नहीं, मैं बैंगन की बात कहाँ से ले आए आप? नहीं, ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि रविंद्र जी ने जो बात अभी, भाई आपका मत है, आपका पक्ष आप रखिए, पर एक डिबेट का स्तर अगर हम घटाएंगे और डिबेट का स्तर गिर जाएगा ना। नहीं, अच्छा तो आप मुझे बताइए, आप किसी व्यक्ति को तूतू मैमे पे लाएंगे और फिर कहेंगे कि बैंगन से स्तर? ये तो इनके नेता ने पार्लियामेंट में बोला, इनके नेता जी ने पार्लियामेंट में ये कहानी सुनाई कि बैंगन का, बैंगन क्या, बैंगन से लेना देना नहीं है, हमें अपने राजा को खुश करना है और राजा जैसे खुश होते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है, पंडित जी शब्दों को बोलना है। पंडित जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बैंगन में अभी फिलहाल, विषय राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी पे ही चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें आप कह रहे थे कि कौन राहुल गांधी, आज विषय वही है। बैंगन पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे, और वो आम चूस कर खाते हैं काट के खाते हैं वो, क्योंकि मैं वो वाला हूं भी नहीं सर, आप जानते हैं ना, ना मैं बैंगन वैंगन पर चर्चा करता हूं। खैर मनीष जी, ये सियासत के तराजू पर अब इस बात को नापा तो जाएगा ना, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाई दिया, इससे यह भी साफ है कि एक्शन का रिएक्शन भी होगा, यानी कि अब बारी आती है देश के प्रधानमंत्री की, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो जो बोलने की शक्ति, वो सबसे बेहतरीन नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखा जाता है देश में। नहीं देखिए, ये तो देखिए, अगर कोई महान नेता है, अच्छा भाषण देता है, तो जरूरी नहीं है कि हर रोज वो अच्छे भाषण देगा। मैं यहाँ पे इस बात से सहमत हूँ कि राहुल गांधी आज जिस तरह की तैयारी करके आए थे वो निश्चित रूप से उन्होंने काफी अच्छे प्रश्न उठाए, लेकिन उनसे दो तीन गलतियां हो गई। एक तो अग्निवीर पर वो गलत फैक्ट दे गई, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भाजपा को काउंटर करने का मौका मिल गया। अगर वो अग्निवीर पर ये 1 करोड़ वाली बात, कंपनसेशन वाली बात नहीं बोलते तो वो सही जाते। नीट पर उनका बयान ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदुओं को हिंसक ओवरऑल कह दिया, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का इंटेंट ऐसा ना रहा हो, लेकिन जो शब्द उनके श्री मुख से निकले हैं वो तो वही निकले हैं जिसको सुनने के बाद। आपने अग्निवीर का जिक्र किया, तो अग्निवीर पर जो बात राहुल गांधी ने कही, यूज एंड थ्रो मजदूर बनाए जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये तो कहा ही था, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनका एक व्यू हो सकता है। हाँ। राहुल गांधी ने ये कहा कि वहां शहीद होने पर कुछ नहीं मिलेगा, जिस पर तत्काल इमीडिएटली रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने तुरंत कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं सदन में। क्या कहा? और ये स्थापित तथ्य है कि 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन अग्निवीर योजना के तहत मिलता है। हाँ। दरअसल मैं आपको बताता हूं, अग्निवीर योजना से राहुल गांधी को चिढ़ क्यों है, विपक्ष को चिढ़ क्यों है, क्योंकि देखिए एक जमाना था जब इस देश में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की वकालत होती थी। हाँ। ताकि देश में हर मोहल्ले में 10-20-50-100 ऐसे लोग हों जिसे अनिवार्य सैनिक शिक्षा मिली हुई हो, ताकि देश में जब भी कोई दंगे, परेशानी, समस्या, लूटमार, चोरी, डकैती, आग लगना हो
तो ऐसे में वो लोग सामने आए क्योंकि वो ट्रेन दे दो हर मुद्दे राहुल गांधी को क्या दिक्कत है इसी योजना से। राहुल गांधी को दिक्कत ये है कि जैसे ही अग्निवीर योजना में लोग आके एक बार सेटल्ड होंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके विजन में सेट आएगा तो वो यूनाइट करेंगे कंट्री को, ऐसा ही करते ही उनका एजेंडा भी हो जाता है। अरे वाह, बताइए तिलक जी, किसी को पूरे जीवन भर की नौकरी और पेंशन मिले और कोई चार साल की नौकरी करके बेरोजगार हो जाए, ये किससे कौन खुश होगा? यही इनकी नीति है। यही जिसको नहीं लेनी वो ना करे। तिलक भाई इसमें एक बात ये है, आप मानो किसी को मेरे छोटे भाई को लगता है उसे अग्निवीर बनने में ठीक है तो वो बनेगा, चार साल बाद उसके हाथ में 23 लाख रुपए आ रहे हैं। अग्निवीर बनने में आप नौकरी नहीं दे रहे हैं तो व्यक्ति मजबूरी में जा रहा है, तो क्या आपका यही काम है भाई? आप गलत समझ रहे हैं, आपकी परेशानी अलग है, आपकी परेशानी अलग है। शोषण करे, उसकी मजबूरी का फायदा उठाए। जो लोग आज भी हर कंपनी में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन के लोग हैं उनमें बैकग्राउंड को प्रोफेशन की है, लेकिन आपकी परेशानी ये है, आपकी परेशानी ये है कि आपको एजेंडा समझ में नहीं है। क्यों पेंशन बंद कर सोते हुए को जगाना बहुत आसान है और जो सोने का नाटक करे उसे जगा नहीं सकता कोई भी। जब आपने कोई बात समझनी नहीं है हरिनाथ जी, तो आपको दुनिया में कोई भी राहुल गांधी खुद भी अगर आपके मुंह में ड्रॉप डाल देंगे तब भी आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आपने यही कर लिया है कि आपको समझना नहीं है। जनता नहीं सोच रहा आपको, आपकी आंखें नहीं हुई। राजनाथ जी सभी लोग जवाब दे रहे हैं संसद में, कभी ऐसा होता था? एक अकेला राहुल गांधी जी भिड़ा पड़ा हुआ है। झूठ अगर आप बोलेंगे सदन में, अगर आप झूठ बोलेंगे तो जवाब देना ही होगा। भारत में एक अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया था आदमी, और अंधभक्त लोग, आप लोग जो आप लोग को हिंदू बहुत संस्कृति वाले मानते हैं जबकि है कुछ नहीं, आप घेरे हुए थे लेकिन तब भी सफल नहीं हुए। अभिमन्यु कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, पाएंगे क्यों तुमसे भाई? हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, गरीबों की आवाज। हिंदू सर, हिंदू सर राहुल गांधी है, उनको फिरोज गांधी के, उनकी भी फिरोज गांधी के, सुनो फिरोज गांधी के ग्रैंड सन हिंदू है अकेले, और हम लोग हिंदू नहीं है। अमित शाह जैन कौन है? हिंदू धर्म के बहुत बड़े पक्के बने हुए हैं। अरे फिरोज गांधी का ग्रैंड सन हिंदू है, वो हिंदू है ही नहीं देश में, और वो हिंदू है। तुम आटोगे तुम्हारे फिरोज गांधी का ग्रैंड सन हिंदू है, फिरोज गांधी का ग्रैंड सन हिंदू है, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू है तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी व्यवहार। अभी रविंद्र जी से एक मिनट मनीष जी, आज फिरोज गांधी कहां से आ गए? एक मिनट, का संस्कृति कैसे देंगे? ये फिरोज गांधी कहां से आ गए? एक बैंगल लेकर आ रहे हैं फिरोज गांधी लेकर, एक मिनट। आप स्मृति जुबेर ईरानी की बात करिए, वो कहां से हिंदू बन गई? एक मिनट उपाध्याय जी, क्यों आप व्यक्तिगत हो रहे हैं? नहीं है क्या व्यक्तिगत हुए, यहाँ कह के फिरोज गांधी कहां से आ गए? ठीक है, तौर पर कहा तिलक भाई कि मैं हिंदू नहीं हूँ, कोई भी हिंदू नहीं है, ना तिलक चावला हिंदू है, ना आरपी सिंह हिंदू है, ना भारत पाई हिंदू है, हिंदू सिर्फ जो करे सबको जनता हिंदू है, और कोई हिंदू है। एक मिनट रुकिए उपाध्याय जी, मैं इस चैप्टर को यही क्लोज करता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, मैं यहाँ पर जब तक बैठा हूँ मेरा सिर्फ एक ही धर्म है और वो है पत्रकारिता धर्म, जो मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं सवालों के आधार पर इस चर्चा को चलाऊं। मैं कभी भी चर्चाओं में हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मुद्दों के आधार पर रहिए। रविंद्र जी, जो बात, जो मुद्दे सदन के भीतर राहुल गांधी ने उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो मुद्दे विपक्ष के रूप में उठाने चाहिए थे नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन अब जो चर्चा जिस दिशा में जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दे गौण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये इसी के साथ जुड़ा हुआ कि अब यहां पर बोलने की बारी आती है देश के प्रधानमंत्री की, और उन्हें सबसे बेहतर वक्ता माना जाता है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते देश के भीतर। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए, इस सियासी लड़ाई को?
देखिए जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात आपने किया, वो भारत के अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर रखा है, उसके साथ साथ उन्होंने झूठ बोलने में पीएचडी भी कर रखा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको सदन में उठ के बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक उसका कारण केवल राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी बने हैं। राहुल गांधी जी क्यों बने हैं कि उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए हैं। अब दो मुद्दे पे मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं जनहित के। एक तो मुद्दा उठाया उन्होंने एनटीए पे, जो एनटीए परीक्षाएं करती है, तो एनटीए भारतीय जनता पार्टी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई की। दूसरा मुद्दा उठाया उन्होंने मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन का, अग्निवीर ये मिलिट्री की प्राइवेटाइजेशन का षड्यंत्र है। खाली अग्निवीर नहीं, जिसपे आमतौर पर लोग चर्चा नहीं करते हैं, सैनिक स्कूल केवल केवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत चला करते थे, अब इन्होंने सैनिक स्कूल को भी ठेके पे दे दिया है, और यहाँ तक कि जो साध्वी रितंबरा है उन्होंने महिलाओं का सैनिक स्कूल खोल लिया है, जबकि जो सैनिक स्कूल की नियमावली थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दिया कोई सैनिक स्कूल शब्द नहीं यूज कर सकता था। तो अधिकारी भी प्राइवेट बनेंगे और संघ के बनेंगे, और जो अग्निवीर भी बनेंगे वो भी संघ के ठीके पे बनेंगे। तो मिलिट्री का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी मांग राहुल गांधी जी ने उठाई है, ये देश की सुरक्षा और संरक्षा का मामला है, और इसको क्या करना चाहेंगे, ये जो जिन्होंने झूठ में पीएचडी कर रखी है उसको उन्माद में ढकना चाहेंगे, नहीं ढक पाएंगे। जनता ने जवाब दिया है। एक प्रश्न और ताकि खत्म कर देता हूं, 1992 में इन लोगों ने उस स्थान को गिरा दिया जहां पर स्टे था और जहां पर प्रभु श्री राम का पूजा होती थी, और उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ने उस सरकार को अगले होने वाले चुनाव में हरा दिया, बुरी तरीके से हरा दिया, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो जनता की मंशा ये नहीं समझ रहे हैं, उन्माद से कुछ भी नहीं होगा, जन कल्याण की नीतियों पर काम करना पड़ेगा। जी धन्यवाद। तो वहां दोबारा मस्जिद बनेगी, ये तो मैंने, ये मुझे जानकारी नहीं इस विषय पर। अच्छा नहीं, आप कह रहे थे ना कि वो ऐसे गिरा दिया टाइप का। मैं फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं मनोज पंडित जी, जो बात रविंद्र जी और उपाध्याय जी कह रहे हैं मैं उसी आधार पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये जो राहुल गांधी ने बातें कही नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन के भीतर, क्या आपने कभी देखा कि जब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हों तब देश के प्रधानमंत्री को खड़े होकर उन्हें रोकना पड़ा? कभी ऐसा हुआ संसदीय इतिहास में? देखिए तिलक जी, कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों कभी ऐसा नहीं हुआ? क्यों नहीं है? तो मैं एक थोड़ा चित्र जो है, आपने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हों और देश के प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा। गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, आपकी पूरी की पूरी सरकार आज नियम का पाठ पढ़ा रही थी राहुल गांधी को। पूरी सरकार, जो आप कहते थे एक अकेला सप्पर भारी, या तो कहानी उल्टी, पिक्चर उल्टी पड़ रही थी। तिलक जी आप ये देखिए, देश की संसद है, हाँ। पूरी दुनिया उसे देखती है, हाँ। वहां आपके कायाकल्प का मैसेज पूरे विश्व में जाता है, हाँ। और अगर आपके वहां कुछ कोई भी व्यक्ति और देश के नेता प्रतिपक्ष अगर कोई वहां पर आधारहीन बात करेगा जिस, हाँ। बात का कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी, आपकी जिम्मेदारी भी, जितने लोग इस डिबेट पे बैठे हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अपने अपने अधिकार का प्रयोग करके, मतलब हमें ये हमारी, लेकिन पंडित जी आप भी तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस वालों की नजर जो है मंगलसूत्र पर है, उदाहरण के तौर पर कि मंगलसूत्र छीन कर किसी और को दे देंगे, ये बात हुई थी क्या? देखिए तिलक जी, जो इनकी मानसिकता है उस मानसिकता से सारे लोग परिचित हैं। नहीं, आप कह रहे हो ना कि इनकी जुबान जो है, तो फिर ये मंगलसूत्र वाली बात भी तो आई थी चुनाव में, और ये बात भी आई थी कि याद होगा आपको कि अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो करे, मुजरा शब्द भी तो इस्तेमाल हुआ था। तिलक जी अब आप ये देखिए कि जब एक व्यक्ति को, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बैंगन वाली बात बताई, आपने कहा बैंगन वाली बात की चर्चा नहीं है, बैंगन का मेरा मतलब ये था कि हमें, मैं वो मुजरे वाली बात कर रहा हूं, जितने लोग, नहीं वही मैं बताना चाह रहा हूं, जितने लोग यहाँ, चाहे आरपी सिंह जी बैठे हों, चाहे उपाध्याय जी बैठे हों, चाहे मनीष जी बैठे हों, हर व्यक्ति अपने पार्टी का, अपने सिस्टम का एक पक्ष रख रहा है, और वो चीजें ये साबित करना चाहता है कि उसका नेता सबसे साफ सुथरा दूध का धुला है। अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जनता करेगी, जनता ने फैसला किया तो फिर मुजरे वाली बात सही थी। नहीं, मुजरे वाली अब ये ठीक है, अपने वोट
अपने वोटर को रिझाने के लिए मुजरा करें, कुछ और करें, वो इनके हाथ में करिए, ये इनका अधिकार है, कौन रोकता है इनको। पर मेरा मानना ये है, हमारा और हमारी पार्टी का मानना ये है कि आप उस सदन में बैठकर, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है वहां बैठकर आप झूठ बोलेंगे तो वो चीजें ठीक नहीं है। आप ये देखिए धारा 10 में उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपका, यानी कि एक तरफ से आप लोगों ने वार कर दिया, अब पलटवार के लिए तैयार रहिए। जो बात मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने वार तो कर दिया, हिंदुओं का अपमान तो कर दिया, लेकिन अब जो है उसका जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। आप बोलिए तिलक जी, हम लोगों ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, हमारे दो दो प्रधानमंत्री बलिदान हुए एक ही परिवार के, जिस परिवार की बात कर रहे थे मनीष जी, आप देखते हैं उसी परिवार ने मनीष जी रुख बदल जाएगा, के दो टुकड़े किए, मनीष जी रुख बदलेगा क्या, जल्दी से बात नहीं करते हैं। हाँ रुख बदलेगा क्या जी, मनीष जी देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अभी अभी मनोज पंडित जी से आपने पूछा कि भाई क्या राहुल गांधी को ऐसा कहा तो क्यों कहा, और अलग अलग मुद्दे थे, मैं कह रहा हूँ और मोदी जी ने क्यों इंटरेक्ट किया, आप समझिए, जब वो जनहित की बात बोल रहे थे उन्हें किसी ने इंटरेक्ट नहीं दिया, नीट पर बोले, किसी और मुद्दे पर ऐसे बोले, हिंदुओं की बात क्यों कह रहे, तभी बोला भाई गलत बात करोगे तो सदन में धोखा जाएगा। तो अगर आप पूरे समाज को हिंदू धर्म इस देश की आत्मा है, हिंदू के अगर हिंदू धर्म इस देश की आत्मा है, अगर हिंदुओं को हटा दोगे तो ये देश खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी जी को ये राहुल के तीर अब कितने गंभीर, ये एक सवाल है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई कि अभी यहाँ से वार हुआ, पलटवार बाकी है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार राहुल बोले, लेकिन उसी बयान में सियासी संग्राम छिड़ गया। पंडित जी आपका शुक्रिया, मनीष जी आपका, रविंद्र जी आपका, और उपाध्याय जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए दादा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।